चेयरमैन पाकिस्तान हाईटेक हाइब्रिड एसोसिएशन शहजाद अली मलिक की सदर लाहौर चैम्बर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दो फसलें चावल और मकई की पैदावारी सलाहियत बेहतर है, शहजाद अली मलिक की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बिल्कुल, वफाक की जानब से ज़रई पॉलिसी का जो ऐलान किया गया इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान हाइब्रिड सीड एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद अली मलिक और लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और इसके अलावा इस एसोसिएशन के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। शहजाद अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। मलिक साहब, फरमाइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था? देखिए जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी पहली स्पीच की पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने बीज के ऊपर बात की और सिर्फ दो बातें जो थी उनकी, वो थी एक सीड माफिया को ख़त्म करना, उसका खात्मा सीड माफिया का, और दूसरा दुनिया भर से इंपोर्ट करना सीड, हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड, ज़्यादा पैदावार देने वाला बीज इंपोर्ट करके उसको फार्मर्स में देना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो पब्लिक प्राइवेट जो जिसको कहते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज इस्टेब्लिश किया हमने, और हम उनके साथ मिलके रिसर्च भी कर रहे हैं, और ये दोनों क्रॉप्स जो हैं बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बेसिस पे परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल जी, मेज़ और राइस के ऊपर जो काम हो रहा है। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी